नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट गौरव में और हम आपके लिए लेके आज एक नया वीडियो। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में कि जो आपके घर में एलईडी, बिकॉज आज के डेट में एलईडी का जमाना है, लाइटनिंग इमिटिंग डायोड बोलते हैं हम इसको, पहले एलसीडी आते थे, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले थी, ठीक है, तो अभी क्या है वो कन्वर्ट हो गए एलईडी में कन्वर्ट हो गए हैं। तो बिकॉज एलईडी में भी दो तरीके के पैनल आते हैं, एक पैनल तो ये है और एक पैनल ये नीचे लगा हुआ है। अब आप बोलेंगे कि दोनों पैनल एक ही तरीके के दिए हुए हैं, बट ऐसा नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पैनल जो है ये आईपीएस डिस्प्ले है, इस पर नॉकिंग का कोई इफेक्ट नहीं आता, ठीक है, इस पर किसी तरीके की लाइनिंग नहीं आएगी, जो कि आईपीएस पैनल बोलते हैं हम इसको, इन पैनल स्विचिंग बोलते हैं। एलजी का कॉपीराइट पैनल है और पैनासोनिक ब्रांड में भी ये वैसे आता है, ठीक है, बहुत पहले से आता है। और एक ये वीए पैनल है, ठीक है, इस पर अगर हल्की सी नॉकिंग होगी तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लिक्विडेट कर रहा है, ठीक है, और अगर इसमें थोड़ा सा और तेज इंपैक्ट पड़ा तो ये डैमेज हो जाएगा। तो इन एलईडीज पे लाइनिंग आने से कैसे बचाएंगे आप, इन एलईडीज को ख़राब होने से, या जो स्क्रीन पैनल है इसको ख़राब होने से कैसे बचाएंगे, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, एलईडी चाहे आपके घर में किसी भी ब्रांड का है तो उस पर एक चीज़ का आपने सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर आप, चाहे एलईडी पुराना है चाहे नया है चाहे पहले से यूज़ कर रहे हैं, इवन एलसीडी भी क्यों ना हो आपके घर में, तो उसमें क्या है ना कि सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, कभी भी टीवी की सफाई करनी है आपने तो एक तो टीवी को बंद करके, मतलब एलईडी को बंद करके कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा सबसे मेन चीज़ जिस वजह से ये वीडियो दी जा रही है आपको, कभी भी एलईडी या एलसीडी को आपने गीले कपड़े से साफ़ नहीं करना है, कोलीन मार के यहाँ पर सफाई नहीं करनी है, इसको केवल सूखे कपड़े से ही साफ करना है क्योंकि इसमें इतनी गंदगी होती नहीं है। और ध्यान रखें बैक पैनल को भी कभी गीले कपड़े से साफ ना करें, इस पे जैसे फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं ना, तो आप इसको सूखे कपड़े से साफ कर सकते हैं। और खासकर जो ये वीए पैनल होता है इसका तो बहुत ही ध्यान रखना है आपने, ये देख रहे हैं आप, हल्का सा मैं अगर इस पे लिक्विडेट कर रहा हूं, हल्का सा इंपैक्ट डाल रहा हूं, तो ये कितनी तेजी से क्या कहते हैं इंपैक्ट आ रहा है इसके ऊपर, है ना, डैमेज होने के चांसेस बन रहे हैं इस पे, जबकि इस पे नहीं है। आईपीएस डिस्प्ले फिर भी आपका ड्यूरेबल होता है, बट जो वीए पैनल है आज की डेट में, जैसे सोनी सैमसंग ज्यादातर ब्रांड्स वीए पैनल ही बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है उनको, बट एलजी के साथ में ऐसा नहीं है। एलजी के बहुत सारे मॉडल्स आपको आईपीएस और वीए दोनों में ही मिलेंगे, ठीक है, आईपीएस डिस्प्ले थोड़ा सा महंगा भी होता है। और ध्यान रखिए कि कभी भी आईपीएस डिस्प्ले हो या वीए डिस्प्ले हो, इस डिस्प्ले को आपने सफाई नहीं करना है गीले कपड़े से, कोलीन से या अदर किसी लिक्विड से आपने सफाई नहीं करना है, ना ही इसके बैक पार्ट को सफाई करना है, जैसे ये बैक का पार्ट आप देख रहे हैं, इसको भी आपको सफाई नहीं करना है गीले कपड़े से, इसको सूखे कपड़े से साफ करना है। और दीवार से थोड़ा सा टीवी को हटा के रखें तो दीवार के मॉइस्चर से भी आपका टीवी सेफ रहेगा, बिकॉज मॉइस्चर ही है दुश्मन आपके एलईडी डिस्प्ले का, उसकी वजह से इसमें लाइनिंग्स आ जाती हैं। अदरवाइज टीवी की जो लाइफ होती है सालों साल की लाइफ होती है, 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल टीवी चलते रहते हैं, तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसमें कोई पैसा नहीं लगाना, आपने सिर्फ सूखे कपड़े से साफ करना है इसको, कुछ नहीं लगाना है इसमें गीला। और जब भी आप साफ करें तो एलईडी को बंद करके साफ करें, क्योंकि जब ये ऑन रहते हैं तो इसके पीछे के जो पिक्सल्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से हल्का सा इंपैक्ट पड़ने की वजह से डैमेज होने का खतरा रहता है। तो अगर आपको मजा आया हो हमारी इस इंफॉर्मेशन में तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम।